जैसे गिरिराज भगवान है ना, गोवर्धन, कितनी अपार भीड़ होती है। ये तो परिक्रमा छोटी है कामतानाथ की, 5 किलोमीटर की ही परिक्रमा है, लेकिन वो तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 कोस की, सप्तकोस ये परिक्रमा। और वहां भी प्रत्येक पूर्णिमा को बड़े भाव से लोग आते हैं, जिनको चलने की शक्ति नहीं है वह भी चल जाते हैं। थकान भी यदि हो जाती है चलते चलते तो मानसी गंगा का आचमन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, थकान दूर हो जाती है। ये भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज के रूप में आज भी विद्यमान है, और इधर कामतानाथ कामतगिरी के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार विद्यमान है, क्योंकि इस पर्वत पर भगवान ने 11.5 वर्ष वास किया था वनवास की यात्रा में। तो जो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं भगवान उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम लोग भी आए कथा के माध्यम से, और हम सब ने आज मिलकर के, आज बड़ा पवित्र दिन था, एकादशी थी, एकादशी के दिन सभी ने स्नान करके और आज कामतानाथ की परिक्रमा की। सब लोग अपने मन में आनंदित थे, कीर्तन करते हुए सत्संग करते हुए चल रहे थे। तो ये सुअवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा होती है। एक चौपाई आप लोग सबको याद है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बहुत बड़े भाग्य हैं जो हमें ये मनुष्य की देह मिल गई। तो मनुष्यों की तो कमी नहीं है, बहुत मनुष्य हैं हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में, अनेक मनुष्य हैं, संख्या नहीं है, इतने हैं। लेकिन ये लिखने का अभिप्राय क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी का, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, और इसके बाद भी आगे की पंक्ति में लिखा है कि सुर दुर्लभ। ये शरीर, मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, और इसका वर्णन हमारे सद ग्रंथों ने किया है, सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। भागवत जी कहती हैं कि मनुष्य की देह दुर्लभ है, और देही नाम क्षण भंगुरा। तो बड़े भाग्य का मतलब क्या कि भगवान के धाम में हम लोग रहते हैं, वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, यहां हमने भजन किया, जप किया, तप किया, उसके प्रभाव से भगवत धाम में निवास मिल गया, हमारी सदगति हो गई, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। लेकिन वहां भगवान के दर्शन मिलेंगे, उनकी परिक्रमा नहीं मिल पाएगी, उनका कीर्तन नहीं मिलेगा, उनका सत्संग नहीं मिलेगा। और यहां नित्य निरंतर भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन चल रहा है, इसलिए भारत की भूमि धन्य भूमि है। और भगवान हमारे जो अवतार धारण करते हैं सज्जनों, तो भगवान कभी भी विदेश में अवतार नहीं लिए, आप सबको मालूम है ना, 24 बार भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में मिलाकर के 24 बार आते हैं। लेकिन कभी भी भगवान विदेश की भूमि में अवतार लेने नहीं गए, भारत की ही भूमि में भगवान का प्राकट्य हुआ है, क्योंकि भारत की भूमि भगवान का अपना घर है।